हम लोग अब क्लासेस करते हैं शुरू। हम लोग पढ़ रहे थे मिसाइल के प्रकार। हमने आपको कल बताया था कि मिसाइल को हम चार तरह से बांटते हैं। हमने बताया था, एक था देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। फर्स्ट टाइप इज क्या था, पहला जो टाइप था वो था उसका जो स्ट्राइकिंग रेंज है, अकॉर्डिंग टू स्ट्राइकिंग रेंज, मारक क्षमता के अनुसार। जैसे हमने बताया था कम दूरी की मारक क्षमता वाला मिसाइल, मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाला मिसाइल और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला मिसाइल। फिर सेकंड हमने बताया था कि लक्ष्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टारगेट, सतह से हवा वायु में मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल, वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइल, वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल। इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सबमरीन टू सरफेस, समुद्र से सतह पर, इत्यादि। थर्ड हमने बताया था पथ, किस पाथ से होकर वो जा रहा है, बैलिस्टिक और क्रूज। हमने बताया था बैलिस्टिक जो है वो पैराबोलिक पाथ से होकर गुजरता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉलो द पैराबोलिक पाथ एंड क्रूज मिसाइल फॉलो द पैरेलल पाथ, है ना। हमने बताया था क्रूज समानांतर चलता है। फिर हमने बताया था कि उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर स्ट्रैटेजिक बताया था कि जो क्या करते हैं, वीपन्स को ढो के ले जाते हैं, वो वीपन्स को ढो के ले जाते हैं और मार करते हैं। फिर हमने बताया था एंटी टैंक, जो तोप को मार गिराता है। फिर हमने बताया था एंटी मिसाइल, सॉरी एंटी सैटेलाइट। फिर हमने तो इस तरह से महत्व के अनुसार बताया था। अब इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा, उपरोक्त आधार पर भारतीय मिसाइल के निम्नलिखित प्रकार हैं, या भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित मिसाइल विकसित किए गए हैं। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने, या भारत ने, लिखिएगा भारत ने, सरकार ने, भारत ने निम्नलिखित मिसाइल विकसित किए हैं, निम्नलिखित मिसाइल विकसित किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला जो होगा वो अग्नि श्रृंखला की मिसाइल। मिसाइल्स ऑफ अग्नि सीरीज, मिसाइल्स ऑफ अग्नि सीरीज। अब इसमें आप, इसमें अग्नि सीरीज में सबसे पहला लिखिएगा अग्निवन, ठीक है, अग्निवन। सबसे पहला जो मिसाइल है वो अग्निवन है। अब लिखना क्या क्या है, देखिए लिखना क्या क्या है ये आपको जानना जरूरी है, ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तीन चार चीज आपके उस आंसर में मेंशन्ड होना चाहिए जो एग्जामिनर खोजेगा। सब चीज तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तीन चार चीज। सबसे पहला तो जो है लिखिएगा इसका रेंज, सबसे पहला तो इसका नेचर कैसा है। देखिए इसी फ्रेम में सबको आप लिख डालिएगा, एक फ्रेम याद रखिए और उस फ्रेम को रिकॉल करते रहिए, ठीक है। इसका नेचर किस प्रकार का मिसाइल है, दूसरा इसका मारक क्षमता, स्ट्राइकिंग रेंज, पहला इसकी प्रकृति, दूसरा स्ट्राइकिंग रेंज,
तीसरा पेलोड कैपेसिटी, हमने आपको बताया था कि मिसाइल का सबसे जो पहला पार्ट होता है इसको वारहेड बोलते हैं, और इस वारहेड में वो कितना किलोग्राम वेपन्स को ढो के ले जाता है, कितना किलोग्राम इसमें वेपन्स को ढोने की कैपेसिटी है, इसी को हम बोलते हैं पेलोड कैपेसिटी। तो पेलोड कैपेसिटी कितना है, और पहला चीज नेचर, दूसरा मारक क्षमता, तीसरा पेलोड कैपेसिटी, चौथा ये टाइप्स ऑफ वीपन्स, किस तरह के वीपन्स को ले जाता है, किस तरह के वीपन्स को ये ढो रहा है, और पांचवा कुछ इसकी विशेषताएं हैं, सॉरी पांचवा इसमें ईंधन फ्यूल, किस तरह का फ्यूल प्रयोग किया जाता है। तो पहला नेचर, दूसरा मारक क्षमता, तीसरा पेलोड कैपेसिटी, चौथा किस तरह का वीपन को ढो के ले जाता है, और पांचवा इसमें किस तरह का फ्यूल फ्यूल को यूज किया जाता है, और छठा यदि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है तो आप इसमें लिख देंगे। तो इसका फीचर्स, इतना चीज का आपको चर्चा करना पड़ेगा तभी आपका आंसर बनेगा। अब अग्नि श्रृंखला की मिसाइल में हम लोग पहले अग्निवन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा, बस ज्यादा नहीं लिखना है, सब में थोड़ा थोड़ा सबको लिख डालना है, लेकिन ये नहीं कि एक को बहुत ज्यादा लिख दिए एक को छोटा लिखे। अग्निवन में लिखेंगे ये क्या है, ये सतह से सतह मार करने वाली, मार वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हम समझा चुके हैं, हम दोबारा अब नहीं समझाएंगे ये सब, बैलिस्टिक क्या है, सतह से सतह क्या है। तो इसका नेचर क्या, इट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग, इट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल, यह सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, पहला। दूसरा हमने बोला इसका मारक क्षमता, अच्छा, और ये जो है इसको हम बोलेंगे, अब हमने ये भी बताया था लंबी अवधि की, सॉरी लंबी दूरी, कम दूरी की मध्यम दूरी, तो ये एक्चुअल में कम दूरी की मारक क्षमता वाला मिसाइल, इट इज शॉर्ट रेंज स्ट्राइकिंग मिसाइल, इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज स्ट्राइकिंग मिसाइल। इसकी मारक क्षमता देखिए, इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर, इट्स स्ट्राइकिंग रेंज इज 700 टू 1200 किलोमीटर, स्ट्राइकिंग रेंज 700 टू 1200 किलोमीटर। और ये हम देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं, ये पिछले नोट से मिलाइएगा तो हो सकता है डिफर हो जाए, क्योंकि होता है, हमने बताया था कि अग्नि जो है री इंट्री टेक्निक पर आधारित है, अग्नि मिसाइल इज बेस्ड ऑन री इंट्री टेक्निक, इसमें री क्या होता है, इसको री इंट्री किया जाता है, मतलब इसको एक बार जब छोड़ दिया जाता है तो फिर से इसमें वीपन्स को भरा जाता है और रेंज को चेंज किया जाता है, रेंज बढ़ता और घटता भी, हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं अग्नि सिक्स शुरू में 6000 किलोमीटर रेंज रखा गया था, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया, तो इसकी मारक क्षमता स्ट्राइकिंग रेंज इज 700 टू 1200। इसका पेलोड कैपेसिटी, पेलोड क्षमता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेलोड कैपेसिटी,
कैपेसिटी, ये कितना भार को, कितना भारी को, कितना भारी अस्त्रों को ढोक के ले जाता है, तो 1500 kg मतलब 1.5 टन ये वेपन्स को ढोक के ले जा सकता है। और इसमें अब देखिए, पहले इसको डिजाइन किया गया था कि ये केवल पारंपरिक हथियार को ले जाता था, अब ये, अब जितने भी अग्नि मिसाइल हैं सब न्यूक्लियर वेपन को भी ढोके ले जाता है। तो इसमें जो औजार हैं, यंत्र, जो इसमें क्या बोलेंगे, अस्त्र हैं, वो कैसे होते हैं, इसमें यह पारंपरिक व नाभिकीय दोनों दोनों अस्त्रों को ढोके ले जाता है, दोनों अस्त्रों को ढोता है। इट कैरीज बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, इट कैरीज बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन। चूंकि देखिए, चूंकि इसका इसका रेंज, अब समझ लीजिए थोड़ा सा, जब किसी का रेंज बहुत ज्यादा कम हो तो वो उसमें काम चल जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट से। हमने प्रोपेलेंट का भी अर्थ बता दिया है, प्रोपेलेंट का भी अर्थ हमने बताया है। तो जिसका रेंज थोड़ा कम होता है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट से काम चल जाता है, लेकिन लिक्विड बहुत दूर जाना है तो सॉलिड प्रोपेलेंट से काम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत दूर जाना है तो बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रोपेलेंट ले जाना पड़ेगा, और ज़्यादा जब ले जाएंगे उसका भार कम हो जाएगा, तो उसके जगह पर लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। और जब बहुत दूर और दूर जाना है, जैसे हम लोग सैटेलाइट को रॉकेट से लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज करते हैं। तो ये चूंकि कम रेंज का है, इसीलिए इसमें देखिए, ये सिंगल स्टेज सॉलिड, सिंगल स्टेज वाला सैटेलाइट है, सिंगल स्टेज मिसाइल विथ सॉलिड प्रोपेलेंट, ये एक चरणीय मिसाइल है जिसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह इसमें ये हो गया फर्स्ट, उसी तरह हम लोग अग्नि टू। अच्छा, अब देखिए, ये चीज नहीं भी लिखेगा चलेगा कि इसको कब टेस्ट किया गया, क्योंकि सबका टेस्ट का ईयर याद रखना संभव नहीं है, एग्जामिनर को भी पता है कि टेस्ट, आप टेस्ट का डेट यदि नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, फोन आ रहा है, टेस्ट का डेट नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग, और दूसरी बात इसलिए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी कभी कितने बहुत सारे मिसाइल ऐसे होते हैं जिसका 4-5 बार टेस्टिंग किया जाता है और फाइनल एक टेस्टिंग होता है, तो कितना आप डेट लिखिएगा वहाँ पर, आपके कॉपी में डेट, बहुत लोग डेट को फोकस्ड हो जाते हैं, डेट रटने लगते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है डेट रटने का, आप बेसिक चीज़ लिखिए कि किस तरह का है, कितना मार करता है, उसमें जो हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, ये सब लिखिएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। उसी तरह आपका अग्नि टू का भी ऐसे ही लिखेंगे हम, उतना आप नहीं बता रहे हैं, आप समझ गए होंगे, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे अग्नि टू का हम लिखेंगे कि ये जो है सतह से सतह, ये भी सतह से सतह मार करने वाला, सतह से सतह मार करने वाला मध्यम दूरी का, ये मध्यम है, अब रेंज बढ़ गया, सतह से सतह मार करने वाला मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक ही है, इट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग,
मिसाइल विथ इंटरमीडिएट स्ट्राइकिंग रेंज, इट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग मिसाइल विथ इंटरमीडिएट स्ट्राइकिंग रेंज एंड बैलिस्टिक इन नेचर, और बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर, इतना दूर ये मार सकता है, ठीक है ना। और इसका पेलोड कैपेसिटी जो है, इसका पेलोड कैपेसिटी ये ढो सकता है, सॉरी हम अग्नि का 1500 लिखा दिए, गलती लिखा है, सॉरी, अग्नि में पेलोड कैपेसिटी 1000 kg कर दीजिए, सॉरी 1000 kg पेलोड कैपेसिटी अग्नि वन का, अग्नि टू का 820 kg से लेके 2000 kg, 820 kg से लेके 2000 kg इसका पेलोड कैपेसिटी है। और इसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट ही यूज करते हैं, लेकिन ये इसको टू एंड हाफ चरणीय, मतलब अढ़ाई चरणीय, इसको लिख लीजिए हाफ स्टेजेस, दो और आधा चरणीय, मतलब फिगर बना लीजिए, एक चरणीय, दो चरणीय और ये आधा, एक चरणीय, दो चरणीय और ये आधा, तो कितना हो गया, ये दो चरण और ये सब में ठोस प्रणोदक विच आर फील्ड बाई, इट इज टू एंड हाफ स्टेजेस, मतलब इसके जो चैम्बर हैं वो टू एंड हाफ स्टेजेस एंड फील्ड बाई सॉलिड प्रोपेलेंट, ये सॉलिड प्रोपेलेंट से ये भरा हुआ है तीनों में, ठीक है। और ये भी क्या कर सकता है, ये भी इट कैरीज बोथ कॉन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो है पारंपरिक और नाभिकीय दोनों हथियारों को ढोके ले जाता है, समझ गए। तो बेसिक चीज यही सब लिखिएगा, अग्नि थ्री अग्नि थ्री का जो ये कैसा है, अग्नि थ्री ये भी वही चीज है। अब देखिए अग्नि थ्री, देखिए अग्नि थ्री से अब क्या हो रहा है, अग्नि थ्री जो है ये भी मध्यम दूरी की मारक, अग्नि थ्री मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाला, ये क्या है वाला क्षमता वाला, ये सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, इट इज मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता जो है 3000 से 5000 किलोमीटर मार सकता है, और इसका पे लोड कैपेसिटी
कैपेसिटी जो है 2500 किलोग्राम है, ये 2500 किलोग्राम अब ढो के ले जा सकता है। पिछले वाले को चेंज कर दीजिए, सारा हम अपडेट किए हैं, ये अब आप देखिएगा, अब नेट वेट पे जब ढूंढिएगा या बुक्स में ढूंढिएगा तो पहले कुछ और है, अब कुछ और है। तो सबको का क्षमता को विकसित, नए नए इक्विपमेंट लगते गए तो इसके कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया। पहले ये मात्र डेढ़, पहले ये मात्र, देखिए ये फिक्स नहीं होता है, ये मत सोचिएगा कि सर पहले गलती लिखा है और अभी ठीक लिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी ठीक लिखाया और अभी भी ठीक लिखा रहे हैं। क्या होता है, इनका अपग्रेडेशन होता है, इनको अपग्रेड किया जाता है, क्योंकि डिफेंस हो चाहे सैटेलाइट सेक्टर हो, जितने भी मिसाइल और सैटेलाइट है सबका अपग्रेडेशन किया जाता है, मिसाइल का रेंज बढ़ाया जाता है, मिसाइल का जो वारहेड है उसका कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर का कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। इसीलिए तो ये नया है, पेलोड कैपेसिटी इसका कितना है 2500, मारक क्षमता 3000 से 5000, इसका स्ट्राइकिंग रेंज, इट्स स्ट्राइकिंग रेंज इज 3000 to 5000। और ये जो है ये भी क्या करता है, ये बोथ इट कैरीज बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, ये दोनों पारंपरिक और नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियार को ये ढोके ले जाता है। और ये टू स्टेजेस है, टू स्टेज होते हैं इसके, ये दो चरणीय होता है, दो चरणीय, टू स्टेज, दो चरणीय मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों में क्या है, इसमें प्रोपेलेंट है, दोनों में प्रोपेलेंट है, और ये भी सॉलिड, इसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट, ठोस प्रणोदक भरा होता है, ठोस प्रणोदक, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट भरा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज ये फिर लिखिएगा कि उपरोक्त तीनों जो हैं, उपरोक्त तीनों समन्वित, हमने कल बताया है, समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। ऑल द एबव मिसाइल्स, थ्री मिसाइल्स आर डेवलप्ड, ऑल द एबव थ्री मिसाइल्स आर डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑल द एबव थ्री मिसाइल्स आर डेवलप्ड अंडर, पानी दीजिए ना थोड़ा सा, अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लिखिएगा जरूर, आफ्टर देन इसके बाद अग्नि मिसाइल को की श्रृंखलाओं को, अग्नि मिसाइल की सॉरी अग्नि श्रृंखला की अन्य मिसाइलों को, इसके बाद अग्नि श्रृंखला के अन्य मिसाइलों को क्या किया गया, अन्य मिसाइलों को अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया, स्वतंत्र रूप से अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। आफ्टर देन द रिमेनिंग मिसाइल्स ऑफ अग्नि सीरीज, आफ्टर देन द रिमेनिंग मिसाइल्स ऑफ अग्नि सीरीज आर डेवलप्ड अंडर इंडिपेंडेंट, या आर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली अंडर अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत विकसित किया गया। अब उसमें देखिए विच आर गिवेन बिलो अग्नि फोर, हमने कल बताया था इसके सामरिक महत्व को देखते हुए इसको क्या किया गया, एक अलग ही प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप कर दिया गया, एक अलग प्रोग्राम
अग्नि मिसाइल विकास कार्यक्रम कहा जाता है। अभी अग्नि फोर, तो अग्नि फोर जो है, अग्नि फोर का अब देखिए ये कैसा है, ये भी वही है, ये भी सतह से सतह, एक तो मार करने वाला सरफेस टू सरफेस, दूसरा ये जो है मध्यम दूरी का, मीडियम रेंज, मीडियम रेंज स्ट्राइकिंग रेंज वाला, और तीसरा बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस। ये सरफेस से सरफेस मारता करता है, मध्यम दूरी का है, मीडियम रेंज इसका है, और ये क्या है, ये एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने तीन परसों भी बताया, कल भी बताया, ठीक है। इसका स्ट्राइकिंग रेंज ये कितना मार सकता है, ये 3500 से 4000 किलोमीटर इसका स्ट्राइकिंग रेंज है, 3500 से 4000 इसका मारक क्षमता। इट्स स्ट्राइकिंग रेंज इज फ्रॉम 3500 टू 4000 किलोमीटर, इसकी जो मारक क्षमता है वो 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में है। और ये जो है ये कितना ढोके ले जा सकता है, 800 से 1000। अब आप सोचिएगा कि घट कैसे गया, अभी तक 1500, 2000 ढोके ले जा रहे, ये कम क्यों, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था, ये केवल ये न्यूक्लियर वेपन्स को ढोता है, इट कैरीज न्यूक्लियर वेपन्स। और आपको पता है कन्वेंशनल से न्यूक्लियर वीपन का वेट कम होता है, मतलब कन्वेंशनल 5000 ढोके ले जाएगा और ये इसका 800 लेके जाएगा, बहुत है न्यूक्लियर, इट कैरीज, इसीलिए इसका पेलोड कैपेसिटी कम है, इट कैरीज ओनली न्यूक्लियर वीपन्स। अब जो भी विकसित किया जा रहा है सब न्यूक्लियर वीपन्स के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया यदि आपको ट्रेडिशनल वीपन्स को ले जाना है तो अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री यूज होगा, और जहां न्यूक्लियर वीपन्स को कैरी करके ले जाना है न्यूक्लियर फोर, न्यूक्लियर फाइव का यूज होगा। ये भी टू स्टेज स्टेज है, इसके भी टू स्टेज है, टू स्टेज दो चरणी, और ये दोनों में भी सॉलिड प्रोपेलेंट, इसमें भी ठोस प्रणोदक। अब आप सोचिए कि हम तो बोल रहे थे कि जब लंबी दूरी का ले जाना होगा थोड़ा दूर तो हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, हम ये भी बोले थे, सही बोले थे, यहाँ पर क्यों सॉलिड ही यूज हो रहा है, क्योंकि हमने बताया ना कि अभी तक इंडिया जो है क्या है, क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप नहीं किया था, या ऐसे इंजन, ऐसे चैम्बर डेवलप नहीं हुए थे जिसमें वो लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ करे, इसने अभी सॉलिड प्रोपेलेंट वाला ही बनाया था, क्योंकि सब ये इनिशियल स्टेज के हैं, बाद में फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्नि फाइव, अग्नि फाइव जो है वो भी उसका ये भी वही है, वो भी सतह से सतह मार करने वाला, दूसरा सतह से, इट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग, है ना, और ये लंबी दूरी का, यहां से स्टार्ट होता है लंबी दूरी, क्योंकि पांच, समझ लीजिए हम लंबी वर्ड क्यों यूज किए, 5000 किलोमीटर के यदि अंदर है तो मध्यम दूरी, और 5000 से जहां ज्यादा गया लंबी दूरी, तो ये लंबी दूरी का मारक क्षमता वाला। मतलब लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग सैटेलाइट, इट इज लॉन्ग रेंज
स्ट्राइकिंग सैटेलाइट एंड एंड सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग, सॉरी सैटेलाइट बोल रहे हैं, मिसाइल, इट इज लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग मिसाइल, ठीक है। और थर्ड बैलिस्टिक, बैलिस्टिक, ठीक है। और इसका मारक क्षमता, स्ट्राइकिंग रेंज, वो है 5000 से 8000 किलोमीटर, 5000 से 8000 किलोमीटर तो मार सकता है। और इसका पेलोड कैपेसिटी, इसका इट्स पेलोड कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी जो है 1500 किलोग्राम, 1500 केजी। और ये केवल न्यूक्लियर वेपन, ये केवल नाभिकीय अस्त्रों को ढोता है, ये नाभिकीय अस्त्रों को ढोता है, इट कैरीज न्यूक्लियर वेपन्स। इट कैरीज न्यूक्लियर वेपन। चलिए अब देखिए अग्नि सिक्स, अग्नि सिक्स जो है वो विकास की अवस्था में है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, इट इज अंडर डेवलपमेंट, इट इज अंडर डेवलपमेंट। और इसका ये भी वही है, ये भी आपका ये भी एक मिनट, हाँ, इसका इसका भी मार, ये जो है सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज, सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका स्ट्राइकिंग रेंज 11000 से लेकर 12000 किलोमीटर है, इट्स स्ट्राइकिंग रेंज इज 11000 टू 12000 किलोमीटर, इसीलिए ये लंबी दूरी का है। और जब ये इस तरह का है तो समझ लीजिए 11000 से 12000, इट विल बी, यहां वर्ड यूज करेंगे विल बी, इट विल बी, इसको अभी अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन ऐसा हो सकता है, इट विल बी इंटरकॉन्टिनेंटल। हमने बताया था अंतर महाद्वीपीय भी हो सकता है जब डेवलप हो जाएगा, हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इसको इंटरकॉन्टिनेंटल प्रूफ कर दे, क्योंकि 11000 से 12000 किलोमीटर जाता है, मतलब ये अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ के कहीं और भी जा सकता है, ये हो सकता है यूरोप में भी जा सकता है, ये हो सकता है अफ्रीका में भी जा सकता है, ये अमेरिका को भी में भी जा सकता है, क्योंकि इतना दूर ये मार कर रहा है, ठीक है। तो इट मे बी इंटरकॉन्टिनेंटल हो सकता है। और इसका जो है इसका पेलोड कैपेसिटी जो है 3000 केजी है, 3000 केजी इसका कैपेसिटी 3000 केजी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये एक चीज और मैं बता देता हूं, यहीं से हालांकि अग्नि मिसाइल हमने बताया था री एंट्री टेक्निक, अग्नि मिसाइल री एंट्री टेक्निक पे डेवलप किया गया है, क्लियर, हमने बताया था, लेकिन स्पेशली इसको फोकस्ड किया गया, क्या इसको फोकस्ड किया गया री एंट्री टेक्निक पर, मतलब इसमें जो पेलोड कैपेसिटी है उसको बार बार पेलोड, अभी कटा के पहले कट गया था, आ गया, चलिए, हाँ फिर कट गया, आवाज जा रही है मेरी,
हेलो, नहीं जा रही आवाज। हेलो, आ रही है? हाँ, चलिए। हाँ, बोलिए। हाँ, क्या बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या नहीं, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। आपका नेटवर्क अभी तो खैर थोड़ा सा लाइट, एक मिनट, अभी लाइट थोड़ा सा क्या कल भी आ रहा था। चलिए चलिए, तो ठीक है, चलिए, कोई वो ठीक हो जाएगा। देखिए, ये सब टेक्निकल इशू है ना, हम और आप चाह के भी, मान लीजिए कभी बहुत जाम जैम हो गया नेटवर्क, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत होता है। चलिए, हमारे यहाँ तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हाई टेक्नोलॉजी का चीज़ है सब कुछ, अब हो जा रहा है तो चलिए। अभी तो खैर लाइट थोड़ा देर के लिए फ्लक्चुएट हो गया था, इसलिए कट गया, जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, यहाँ 6 M अग्नि 6 में ये जरूर लिखिएगा, इट इज स्पेशली डिजाइंड, इट इज स्पेशली डिजाइंड, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल टारगेटेबल री इंट्री व्हीकल, या इट इज डिजाइन स्पेशली डिजाइंड एज, एज लिखिएगा, एज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री इंट्री व्हीकल व्हीकल। इसको विशेष रूप से क्यों अग्नि सिक्स विकसित किया गया, इसको विशेष रूप से, इसको विशेष रूप से समझे। बहु, यहां देखिए, बहु उद्देश्य स्वतंत्र, बहुउद्देशीय स्वतंत्र, ठीक है ना, निर्देशित री इंट्री, है ना, री इंट्री प्रक्षेपास्त्र के रूप में विकसित किया गया है। री इंट्री मतलब इसमें हम फिर से, हम फ्यूल को ढो, जितना फ्यूल भरे थे उसको फिर से उतना, सॉरी, फ्यूल जितना अस्त्र जितना वीपन्स भरे थे वो मार गिराया, और मार गिरा के वो जब वापस आ जाता है तो फिर से री इंट्री करके हम इसको भेज सकते हैं। इसीलिए तो इसका पेलोड कैपेसिटी देखिए कितना ज़्यादा है, 3000 kg, 3000 kg, सोचिए। तो इतना लिखेंगे, फिर एक चीज़ और लिखेंगे, अग्निपी, अग्नि 1P, अग्नि 1 प्राइम जिसको बोलते हैं, ये भी अभी एक नया मिसाइल है। अग्नि 1 का मॉडिफाइड, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अग्नि 1 मिसाइल, ये अग्नि 1 का परिवर्धित रूप है, ये अग्नि 1 का परिवर्धित रूप है, मॉडिफाइड है इसका। इसमें अग्नि के रेंज को बढ़ा के 700 से 1200 जो था उस अग्नि के रेंज को बढ़ाया गया, और बढ़ा के इसको क्या किया गया, 1000 से 2000, 700 से बढ़ा के इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर किया गया। इट्स रेंज, अभी ये अंडर टेस्टिंग है, अंडर अंडर डेवलपमेंट है, ये भी विकास की अवस्था में है। इट्स रेंज वुड बी, इट्स रेंज वुड बी 1000 to 2000 किलोमीटर। इट वुड बी टू स्टेज मिसाइल, ये 2 चरणीय मिसाइल होगा, जबकि अग्नि 1 क्या था, सिंगल स्टेज था। तो उसको देखिए, 2 चीज डेवलप किया गया, वो सिंगल स्टेज था, इसको डेवलप करके अग्नि को ही मॉडिफाई किया गया है, डेवलप करके 2
टू स्टेज कर दिया गया। उसका रेंज 700 से 1200 था, इसका रेंज बढ़ा के 1000 से 2000 कर दिया गया। तो ये चूंकि ये अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए इसके बारे में आप उतना कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी को तीन तीन फेज में विकसित किया गया, थ्री फेज है, हम बस यहीं पे लिख दे रहे हैं। पृथ्वी ये तीन फेज, इसके तीन फेज हैं, पृथ्वी वन, पृथ्वी टू एंड पृथ्वी थ्री। ऑल आर, ये तीनों क्या हैं? शॉर्ट रेंज, तीनों शॉर्ट रेंज हैं, सरफेस टू सरफेस। और ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये कम दूरी की, ये कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाला, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। तब सवाल उठता है, अग्नि रहते भर में इसको क्यों डेवलप किया गया? इसलिए डेवलप किया गया, इट इज डेवलप्ड फॉर बैटल फील्ड। ये बैटल फील्ड में, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में इसका प्रयोग किया जाता है। जब आमने सामने दुश्मन आ गए, जब आमने सामने दुश्मन आ गए तो अटैक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तब अग्नि काम नहीं आएगा, क्योंकि अग्नि का रेंज बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा, इट इज डेवलप्ड फॉर बैटल फील्ड, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज बनाया गया है। ये दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो है, हाँ ये भी बैलिस्टिक है। और दूसरा चीज़, और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, इसमें ये देश का पहला इंडिजेनस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी लिखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट इंडिजेनस बैलिस्टिक मिसाइल। इसके पहले हम लोग जो अग्नि मिसाइल बना रहे थे, अग्नि वन, अग्नि टू वगैरह, उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन के टेक्निक्स, कुछ ना कुछ विदेश के टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा था। इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अग्नि मिसाइल, इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अग्नि मिसाइल, सम इक्विपमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर यूज वेयर यूज सम इक्विपमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज वेयर यूज बट पृथ्वी मिसाइल इज द फर्स्ट इंडिजेनस बैलिस्टिक मिसाइल, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित था। ठीक है, इसी तरह सबका रेंज है, इसका पृथ्वी वन का रेंज 150 किलोमीटर, स्ट्राइकिंग रेंज 150 किलोमीटर, और ये वारहेड कैपेसिटी 500 kg, सब हम लिख दिए हैं इसी तरह का। मतलब इसका 150 किलोमीटर इसका रेंज है, पृथ्वी टू का 250 किलोमीटर लिख लीजिए, सब 500 के अंदर है, पृथ्वी 250 किलोमीटर, और ये जो है 350 किलोमीटर इसका रेंज, सबका रेंज लिख लीजिए, रेंज 500 से नीचे है सब रेंज, इसका भी रेंज, इसका स्ट्राइकिंग रेंज लिख लीजिए, इसका स्ट्राइकिंग रेंज, स्ट्राइकिंग रेंज इसका रेंज 150, 250 और 300। इसका पेलोड कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी लिख लीजिए, इसका पेलोड कैपेसिटी जो पहला का है वो है, एक मिनट, वो है 500 kg, 500 kg, दूसरा का भी 500 kg पेलोड कैपेसिटी, इसका भी 500 kg, इसका भी 500, और इसका 1000 kg।
और ये तीनों जो हैं केवल कॉन्वेंशनल वीपन्स को ढोते थे, बस पारंपरिक हथियार, गोला बारूद है ना, तीर धनुष, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे वीपन्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं, तो ये केवल पारंपरिक हथियारों को ढोने की इनमें क्षमता थी। और इनमें ये क्या था, ये सिंगल स्टेज थे क्योंकि इनकी दूरी कम है, सिंगल स्टेज, तीनों तीनों सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज। और लिक्विड प्रोपेलेंट, इनमें लिक्विड प्रोपेलेंट, लिक्विड क्यों, लिक्विड सॉलिड क्यों नहीं, क्योंकि सॉलिड प्रोपेलेंट का कंबसन धीरे धीरे होता है तो, और लिक्विड का तेजी से हो जाता है कंबसन, क्योंकि इसको कम दूरी में ले जाना है इसीलिए यूज किया जाता है। चल अब देखिए, अब यहां पर एक चीज क्या हुआ कि इस ये केवल पारंपरिक हथियार को ढो के ले जाते थे, पृथ्वी कैन ओनली कैरी कॉन्वेंशनल क्या वीपन्स, तब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन डेवलप किया गया, धनुष, यहीं पे लिखिएगा धनुष, तो लिखिए यह पृथ्वी थ्री का, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पृथ्वी थ्री, ये पृथ्वी तीन का क्या है, परिवर्तित रूप है, परिवर्धित रूप है। कैसे परिवर्धित है भाई, ये जो है क्या कर सकता है, इट कैन कैरी बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन्स, ये दोनों को ढो सकता है। इसके पहले जो पृथ्वी वन था, टू था, थ्री था, केवल क्या करते थे, पारंपरिक हथियारों को ढोते थे, इट कैन कैरी बोथ कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वेपन्स। और इसका स्ट्राइकिंग रेंज वही था लेकिन 350 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी लिख लीजिए, स्ट्राइकिंग रेंज और ये पेलोड कैपेसिटी इतना ही था, तो ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग इतना कुछ लिखेंगे, याद रखिएगा ये शॉर्ट रेंज है, ये बैलिस्टिक है सरफेस टू सरफेस, और इसको हम लोग किस लिए डेवलप किए हैं, इंडिया, इसको फॉर इन बैटल यूज, इन बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शॉर्ट रेंज है। और इसमें क्या है, सारे तीन जो है पृथ्वी वन, पृथ्वी टू, पृथ्वी थ्री, वो क्या करते हैं, वो कन्वेंशनल वेपन्स को ढोते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को ढोने के लिए एक इसका वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन बनाया गया, धनुष, ठीक है, धनुष, तो याद रखिएगा इसको। उसका त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल में, त्रिशूल देखिए, ये सबसे पहला तो शॉर्ट रेंज है, सॉरी सबसे पहला ये सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल, इसको भी IG सरफेस टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज है और ये बैलिस्टिक नहीं होगा ना क्रूज होगा, क्योंकि ये सरफेस से एयर में मार करता है, बैलिस्टिक और क्रूज कब होता, जब वो सरफेस टू सरफेस मार करता, इसको तो सीधे यहां मारना है, तो ये सरफेस टू सरफेस, सॉरी सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज, ये सतह से वायु में मार करने वाला जो है, मतलब कम अवधि, कम दूरी की, सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी की मिसाइल है। इसको क्यों डेवलप किया गया, इसको किसके अंडर डेवलप किया गया, IGMDP के तहत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया, इट इज डेवलप्ड अंडर IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
इसको समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। ठीक है, अब देखिए इसका इसका रेंज जो है, इसका रेंज मात्र 12 किलोमीटर है। मतलब ये समुद्र के तल से लो लेवल वाले कोई भी दुश्मन के चीज़ों को मारता है, दुश्मन के जो भी वस्तु है या दुश्मन का जो भी चीज़ है, 12 किलोमीटर रेंज में यदि कोई हवाई जहाज आ गया, यदि कोई दुश्मन का मान लीजिए हेलीकॉप्टर आ गया या दुश्मन का रडार है तो उसको ये मार देगा। 12 किलोमीटर रेंज है और इसका पेलोड कैपेसिटी, इसका पेलोड कैपेसिटी जो है वह है 5.5 केजी बस, क्योंकि नीचे तक ही मारता है, 5.5 केजी ओनली। अब देखिए, अब त्रिशूल का चूंकि रेंज बहुत कम था, अब मान लीजिए ये 12 किलोमीटर तक ही मार सकता है और दुश्मन का जहाज 30 किलोमीटर तक उड़ रहा है, उससे ऊपर नहीं उड़ेगा मान लीजिए। ठीक है, तो 30 किलोमीटर को मारने के लिए आकाश डेवलप किया गया, मतलब ये जो है त्रिशूल के स्थान पर आकाश। तो आकाश भी क्या है, सरफेस टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल है। चौथा हम लोग लिखेंगे आकाश, आकाश सरफेस टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल, यह भी सतह से वायु में मार करने वाला मिसाइल है और यह मीडियम रेंज और इसका स्ट्राइकिंग रेंज जो है 30 किलोमीटर है। अब आप सोचिएगा कि अग्नि में तो 30 किलोमीटर का नामो निशान नहीं है। हम याद कीजिए फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज जो डिसाइड करते हैं वो एक इको यूनिफॉर्म नहीं होता है हर जगह। सरफेस टू सरफेस में हम लोग माने सरफेस टू सरफेस में यदि 1000 से कम है तो शॉर्ट रेंज, 1000 से 5000 के बीच में है तो मीडियम रेंज और 5000 से ज़्यादा है तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस में। वही सरफेस टू एयर में यदि क्या है, वो सरफेस टू एयर में यदि क्या है वो 10 से 25 है या 20 होता है, हमको याद नहीं आ रहा है, 20 होता है शायद, तो शॉर्ट रेंज है। 20 से 30 50 है तो मीडियम रेंज है और 50 से ज़्यादा है तो लॉन्ग रेंज है। 21 कंडीशन में सरफेस टू एयर, तो ये 30 किलोमीटर है और ये मीडियम रेंज है, मीडियम रेंज। अब देखिए इसमें क्या है, इसका स्ट्राइकिंग रेंज भी बढ़ाया गया, पेलोड कैपेसिटी भी इसका बढ़ा दिया गया, 10 केजी इसका पेलोड कैपेसिटी 10 केजी है, 10 केजी। उसके नाग के बारे में लिखेंगे, नाग, अब नाग देखिए, नाग इसको बोलते हैं थर्ड जेनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल है। इसका कोई रेंज नहीं होता है, इसका रेंज नहीं होता है, ये यदि टैंक कहीं पे, अब देखिए तोप जिससे चलाया जाता है, बारूद छोड़ा जाता है, तो तोप जो है मूवेबल होता है, तोप मूवेबल है। अब इसका रेंज फिक्स कर दिया जाएगा तो पता चला आप उस रेंज में भेज रहे हैं तब तक दुश्मन का तोप भाग गया।
इसीलिए इसको रेंज फिक्स नहीं किया गया है, इसका रेंज नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या है, थर्ड जेनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, थर्ड जेनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इट इज थर्ड जेनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी, तृतीय पीढ़ी का टैंक रोधी मिसाइल है तृतीय। हाँ, निर्देशित, वही तो बोल रहे हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तोप रोधी निर्देशित मिसाइल, मतलब जहां तोप होगा उसको मारने के लिए इसको टारगेट किया जाएगा, ठीक है। थर्ड जेनरेशन क्यों बोलते हैं इसको थर्ड जेनरेशन, लेकिन फिर भी अब देखिए इसका रेंज वैसा 1015 फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज इसका है कि ये मिनिमम, इसका मिनिमम कहां तक मार सकता है, ये मिनिमम इसका एक फिक्स नहीं है, मिनिमम ये 500 मीटर से लेकर मैक्सिमम 4000 मीटर, मीटर में किलोमीटर नहीं, मतलब कह सकते हैं आधा किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर तक ये मार सकता है। जैसे मान लीजिए कोई दुश्मन का ये टैंक है और इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो ये इसको मार देगा। तो कहने का मतलब मिनिमम 500 मीटर और मैक्सिमम 4 किलोमीटर। अब इसको हम लोग, इसको हम लोग थर्ड जेनरेशन क्यों बोलते हैं, ये एक नया तकनीक। अब देखिए दो चीज, चूंकि ये कैसे मारेगा टैंक को, ये चूंकि दुश्मन, बोलिए क्या, थ्री से नहीं, मेरे पास जो डाटा है उसमें 500 मीटर से 4 किलोमीटर है, आप क्या बोल रहे, 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, नहीं नहीं होगा, 300 से 400 किलोमीटर, 3 से 7 नहीं होगा, उतना दूर नहीं, 500 है मिनिमम, 500 है और मैक्सिमम 4 किलोमीटर है, हम देख लेंगे, हम तो अभी तक जो डाटा हमको अवेलेबल है वो 500 मीटर से 4 किलोमीटर है। चलिए इसमें दो तकनीक है, एक तकनीक इंफ्रा रेड इमेजिंग टेक्निक है और दूसरा ये फायर एंड फॉरगोट टेक्निक पर बेस्ड है। ये इंफ्रा रेड इमेजिंग तकनीक और दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक के वजह से ये अब देखिए समझिए, जब तोप है तो तोप से जब गोला बारूद छोड़ा जाता है, टैंक, जब टैंक में वीपन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और गर्म होने से इंफ्रारेड रेज को इमिट करता है, तो ये क्या करता है, उस दुश्मन के टैंक के इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके उसको मारता है। मतलब कोई यदि तोप है, टैंक है, तो उससे इंफ्रारेड रेज क्या होते हैं, हीट के कारण निकलते हैं, हीट के कारण, तो उस हीट को डिटेक्ट कर लेता है। किस टेक्निक से, इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्निक और फायर एंड फॉरगॉट टेक्निक, दागो और भूल जाओ, मतलब ये आर्मी जब यूज करते हैं तो दागते हैं और उसका भूल जाते हैं, दागो और भूल जाओ। फिर दुश्मन को कहाँ मारता है, तो टैंक को केवल मारता है, दुश्मन को,
बिल्कुल, इसमें देखिए ना, इंफ्रारेड इमेजिंग टेक्निक क्यों है, इसीलिए तो है। इंफ्रारेड इमेजिंग इमेजिंग टेक्निक का मतलब यही होता है कि इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके जहां भी होगा इंफ्रारेड टेक्निक को, उसको डिटेक्ट करके ये वहीं पे मार करता है। ठीक है, समझ गया ना। और ये दूसरा चीज, ये ऑल वेदर कंडीशन में यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज इन ऑल वेदर कंडीशंस, किसी भी वेदर में। ऐसा नहीं है कि इमेजिंग टेक्निक है तो केवल गर्मी में काम करेगा, केवल ठंडे में काम करेगा, वो कभी भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, ये लिखने के बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का चर्चा कीजिएगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हमने दो बताया था, ठीक है ना, दो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दो हमारे यहाँ मतलब डेवलप किए गए हैं। पहला हमने बताया था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, ठीक है, और दूसरा हमने बताया था अश्विन, और अश्विन हमने बताया था कि दोनों में राडार लगे होते हैं। ये राडार से क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान करता है। लिखिएगा, इन बोथ मिसाइल्स राडार, या बोथ मिसाइल्स आर इक्विप्ड बाय राडार, और बोथ आर डेवलप्ड टू अटैक ऑन एनिमीज बैलिस्टिक मिसाइल, और दोनों दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने, उसको खत्म नष्ट करने के लिए डेवलप किया गया, प्रद्युम्न एंड अश्विन। ठीक है ना, ये इसका प्रद्युम्न जो है वो जो है 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, हाइट तक ये मार सकता है, हाइट तक मार सकता है। मतलब ये दोनों का नेचर भी क्या है, सरफेस टू एयर, ये जरूर लिखिएगा, बोथ आर सरफेस टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल, सरफेस टू एयर। लेकिन इनका मकसद क्या है, एंटी बैलिस्टिक, एंटी बैलिस्टिक, दूसरे देश के बैलिस्टिक को नष्ट करना, ये हम बता चुके हैं। ठीक है ना, हम ये बता चुके हैं, कल उसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ एडवांस्ड एडवांस्ड मिसाइल के बारे में चर्चा करेंगे। अब एडवांस मिसाइल भी कल हम बता चुके हैं सारा, जैसे इसमें एडवांस मिसाइल में किसका किसका चर्चा करेंगे, शौर्य, ब्रह्मोस, निर्भया, ये सब का हम लोग चर्चा करेंगे। इनको लिख दीजिएगा, इनको विकसित किया गया एडवांस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और हमने बताया था एडवांस मिसाइल में सबको सुपरसोनिक सबसोनिक वर्ड यूज करना है, कल हम बता चुके हैं। जैसे हमने बताया था निर्भया, निर्भया के बारे में लिखेंगे कि ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक, सॉरी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब देखिए, अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल था हमारे यहाँ, अब क्रूज आ गया, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम अब क्या पड़ा, एडवांस एडवांस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो निर्भया अब डेवलप्ड है, लिखिएगा, ये लॉन्ग रेंज सबसोनिक हमने बता दिया है, इट इज क्रूज, इट इज लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अब कोई बैलिस्टिक डेवलप नहीं किया जा रहा है, अब कोई शॉर्ट रेंज नहीं डेवलप किया गया, सब लॉन्ग रेंज क्रूज सबसोनिक सुपरसोनिक ये सब लिखना है। ठीक है ना, इसमें एक चीज और लगा हुआ है, रॉकेट मोटर बूस्टर, रॉकेट मोटर बूस्टर ये सब सब लिखे हैं। रॉकेट इट इज इक्विप्ड बाय रॉकेट मोटर बूस्टर, ये रॉकेट मोटर बूस्टर क्या होता है भाई, ये होता क्या है कि जब इस मिसाइल का स्पीड कम होने लगता है, ये फिर से उसको बूस्ट करता है, तो बूस्ट करता है, इसीलिए इसमें रॉकेट मोटर बूस्टर लगा हुआ है। इसका वारहेड कैपेसिटी, वारहेड कैपेसिटी 3000 केजी है,
वारहेड कैपेसिटी 3 सॉरी 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 1 मिनट वारहेड कैपेसिटी या पेलोड कैपेसिटी, इसका पेलोड कैपेसिटी 300 kg है, 300 kg पेलोड कैपेसिटी, 300 kg, और रेंज है जो है इसका स्ट्राइकिंग रेंज 1000 किलोमीटर है। सोचिए सरफेस टू एयर में ऊपर ही मार गिराता है, मतलब इसका स्ट्राइकिंग रेंज, इट्स स्ट्राइकिंग रेंज इज 1000 किलोमीटर। तो इस तरह हम लोग इसको लिखेंगे। उसी तरह फिर हम लोग ब्रह्मोस के बारे में लिखेंगे। ब्रह्मोस इज क्या है? ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रसिया, ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रसिया। और ये क्या है? एयर टू सरफेस। ब्रह्मोस एयर टू सरफेस, सुपरसोनिक, सबसोनिक नहीं, सुपरसोनिक। निर्भया, सुन लीजिए, निर्भया सबसोनिक था, ये सुपरसोनिक है, क्रूज है, क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल। निर्भया हमने क्या बताया? निर्भया सरफेस टू एयर ना, निर्भया हमने एयर टू सरफेस कहाँ बोला? हम लोग निर्भया को हमने क्या बोला ये ओचे नहीं बताए थे। अच्छा निर्भया लिखिए, निर्भया जो है सरफेस टू एयर है और ये एयर टू सरफेस। तो चलिए एक ही चीज है, सब सब में एक ही बात चर्चा करना है, ये हम लिख चुके हैं, कल भी हम बताए हैं। उसके बाद एक दो और शौर्य, इसमें चर्चा किसका किसका कीजिएगा, सबका करना संभव नहीं है। निर्भया ब्रह्मोस शौर्य, निर्भया ब्रह्मोस शौर्य और प्रलय, प्रलय प्रलय एक सरफेस लिख लीजिएगा, प्रलय के बारे में लिख लीजिए, ये सब तो हम पहले बताए हैं। प्रलय जो है वो आपका है सरफेस टू सरफेस टेक्टिकल मिसाइल। इसका नेचर कैसा है? हमने कल बताया है सतह से सतह मार करने वाला टेक्टिकल, टेक्टिकल हमने बताया था। इसका पर्पस क्या होता है? दुश्मन के छुपे हुए बंकर या छुपा हुआ पेट्रोलियम जो भी उनका चीज है उसको मारना, ठीक है ना, इसको मारना। इसका पेलोड कैपेसिटी 1000 kg है और स्ट्राइकिंग रेंज 350 किलोमीटर है। पेलोड कैपेसिटी क्या है? पेलोड कैपेसिटी इसका जो है 1000 किलोग्राम है एंड स्ट्राइकिंग रेंज, स्ट्राइकिंग रेंज 350 किलोमीटर। और इसका नेचर कैसा है? टेक्टिकल। फिर आप लोग लास्ट में ये कीजिएगा, लास्ट में हम लोग एंटी सैटेलाइट एसेट, एसेट मिसाइल लास्ट इससे कीजिएगा। ये एंटी सैटेलाइट, ये सरफेस एयर कुछ नहीं कहाएगा क्योंकि इसका मेन टारगेट सैटेलाइट को मारना है अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष में जाएगा, इसका रेंज भी ऐसा नहीं फिक्स नहीं है। तो ये एंटी सैटेलाइट है, इसको आप लिखिएगा, ये एंटी सैटेलाइट है एसेट, और इसको डेवलप किया जा रहा है 2019 से। इट कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट ऑफ एनिमीज, इट कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट ऑफ एनिमीज, ये एनिमीज के सैटेलाइट को मार देगा, ठीक है। एक अस्त्र के बारे में जरूर लिखिएगा, अस्त्र, अस्त्र ये भारत का फर्स्ट, पहला स्वदेश निर्मित वायु से वायु मार करने वाला मिसाइल है। इट इज फर्स्ट इंडिजेनस एयर टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल, एयर टू एयर स्ट्राइकिंग मिसाइल, इट इज फर्स्ट इंडिजेनस एयर टू एयर
स्ट्राइकिंग मिसाइल। एंड इट इज ऑल्सो सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सुपरसोनिक है, मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि क्रूज और बैलिस्टिक केवल नीचे से जो छोड़ते हैं या ऊपर से नीचे छोड़ते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एयर टू एयर है, एयर टू एयर कैसे मारा जाएगा भाई? एक दुश्मन का यहाँ पे हवाई जहाज होगा, प्लेन, जेट प्लेन, और ये दूसरा जेट प्लेन, इसको जेट प्लेन टू जेट प्लेन छोड़ा जाता है, मतलब इसके जेट प्लेन से और इसके जेट प्लेन में, ठीक है। तो ये छोड़ा जाता है, तो इतना कुछ आप लिखिएगा ये टाइप्स में। तो अग्नि क्या, हाँ सागरिका सबमरीन टू सरफेस है, सबमरीन टू सरफेस है, कुछ नहीं है, सबका हम लिख चुके हैं, सबके बारे में हम बता चुके हैं, और सबका हम लोग पेलोड कैपेसिटी, स्ट्राइकिंग रेंज, क्यों क्या ढोके ले जाता है, वो सब लिखना है, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग दो क्वेश्चन कर लिए हैं और आप समझ गए होंगे, है ना, हम इतने अच्छे से बताएं कि कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक एक वर्ड को समझाएं, इसमें वर्ड देखिए, इसमें आप वर्ड समझ जाइएगा तो रटना तो आपको पड़ेगा, इसके डाटा रटने पड़ेंगे, पेलोड कैपेसिटी क्या है, वार इसका स्ट्राइकिंग रेंज क्या है, लेकिन आप मतलब यदि समझ गए, सरफेस टू सरफेस क्या है, एयर टू सरफेस क्या है, क्रूज क्या है, उसके बाद बैलिस्टिक क्या है, सुपरसोनिक क्या है, तो आराम से समझ में आ जाएगा, और हम कल बता चुके हैं सारा कुछ। चलिए।